अस्सलामुअलैकुम जी सर, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। उस्मान मोहम्मद उस्मान विलोज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटे के बटन को भी बताएं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत से कमेंट ऐसे हैं कि मुर्गे को हम पहलवान पावरफुल और उस पर चुटकी पे कैसे लगाएं। आप यूट्यूब पर देखते हैं कि लोग कहते हैं चने खिलाएं, चावल खिलाएं, बाजरी, ये क्या तमाशा है, ये तो हर वक्त मुर्गा खाता है, देते हैं, फिर क्यों नहीं होना चाहिए था। आप इनको न्यूट्रिएंट्स दें, पालक दें, बाजरी में असल प्योर देसी अंडे को भिगो कर खिलाएं। इस पर आपका अंडा क्रॉस भी करेगा, ये फ़ायदा भी बड़ा है और पावर और मजबूत भी होगा, आपकी चुटकी पर भी लगेगा, आपके मुर्गे का वज़न भी ज़्यादा होगा, आपका मुर्गा चुस्त चला को बीमारी से भी बचेगा। बाजरी गर्म है और ये सर्दियों के मौसम में आप इनको अंडे में भिगो कर जे चने जे चावल ये क्या खिलाएं, ये तो आप हर वक्त खिलाते हैं। आप उनको पालक खिलाएं, गर्मी में लूना खिलाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर ये लोग कुछ लोग कहते हैं हम मकई खवाते हैं गंदम चावल, फिर भी हमारा मुर्गा जवान वो पावरफुल पहलवान ही बनता और चुटकी पर नहीं आता, क्या बात ये आप बता रहे हैं। जो सर्दी अंडे की और बाजरी के साथ और पालक में, इससे हमारा मुर्गा बिल्कुल हो जाएगा चुटकी बहेगा, उनसे आपका अंडा, उससे आपका मुर्गा बेहतरीन होगा। आप ये बात मुझे बताएं, आप बाजरी खाते हैं खिलाते हैं ना, चावल भी खिलाते हैं, ये और दूसरी चीज़ें, फिर आपका मुर्गा क्यों नहीं कमज़ोर मजबूत हो रहा, यही बात है, मजबूत क्यों नहीं हो रहा आपका। वही यूट्यूब वाले दूसरे आपके दोस्त कहते हैं कि ये खिलाओ मजबूत, पहले तो आप खवाए कौन ही खवाता चावल, कौन ही खिलाता चावल, कौन ही खिलाता बाजरी, कौन ही खिलाता दूसरे हम कहीं हर कोई खिलाते। आप उनको पालक दें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप अंडे को भिगो कर बाजरे में उसको वो खिलाएं, एक बार दिन में एक बार उसको खिलाएं। अच्छा, दिन में कम से कम कितना महीने ये आपका मतलब है इस्तेमाल करें, आपका तरीका बताया हुआ तकरीबन आप इसको एक महीना तो करें, जितना इंशाल्लाह मिसाल है जितना गुड़ उतना मीठा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे।